बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस क्षण में कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, लेकिन उन सब व्यक्तियों में मैं ही राजा क्यों बना, वे सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद उनके प्रश्न का उत्तर ना दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गए। राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़े। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर राजा हिम्मत करके साधु से अपना प्रश्न पूछता है। साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा एक गांव में पहुंच जाते हैं। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल जाता है। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा तो लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में चार भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत ही भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला, यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने आपको ये भोजन दे दिया तो हम क्या मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे उस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले, वह तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुँह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।